आम के पेड़ में मंजर को देखकर किसानों को आम की अच्छी फसल होने की उम्मीद रहती है, लेकिन कीट और रोगों के कारण मंजर गिरने लगते हैं या फिर फल अच्छा नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आम की अच्छी पैदावार लेने के लिए बगीचे का प्रबंधन ज़रूरी है। बीमारियों में मुख्य रूप से आपका जो मंजर झुलसा बीमारी है, जो एंथ्रेक्नोज बीमारी भी बोलते हैं, यह बीमारी अगर आपका तापमान दिन रात अगर तापमान में सडन गिरावट आती है, अगर बारिश हो जा रही है, तो इसमें उस इस समय में जो आपका बिल्कुल पूरी संभावना है कि आपको मंजर झुलसा बीमारी आ जाएगी। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन के नाम से मिलता है, 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, या एमिस्टर 1 ml प्रति लीटर पानी के, जो एजोक्सिस्ट्रोबिन है एमिस्टर के नाम से मिलता है, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। यह अति आवश्यक है इसी समय में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, दिन रात के तापमान में बहुत फर्क आ रहा है, तो इस उस समय में आप में पाउडरी मिल्ड्यू करके एक बीमारी आएगी। इस बीमारी में मंजर के ऊपर में सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए आपको या तो सल्फेक्स, जो सल्फर पाउडर होता है सल्फेक्स के नाम से मिलता है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसमें ध्यान रखना है अगर तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है दिन का, तो उस समय में आप सल्फेक्स का स्प्रे न करें। उस समय में आप हेक्साकोनाजोल जो नामक दवा है उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। आवश्यकता हो तो इसको रिपीट कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल पर। और कई बार देखते हैं कि अगर आपको फिर भी इसमें, क्योंकि कई बार देखते हैं किसान भाई कि अगर उनको कीटनाशक नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसमें बाद में खाली पानी का स्प्रे स्टिकर मिलाकर भी करेंगे, तो रोग का जो इंटेंसिटी है वो कम होगी।